वेलकम है जी सारे का। जो स्टूडेंट यूके जाना चाहते हैं अब गल करांगे यूके के रोलिंग इनटेक बारे। यूके का रोलिंग इनटेक किहड़ा हुंदा वा, प्रेजेंटली किहड़ा रोलिंग इनटेक अवेलेबल है, तो जे स्टूडेंट रोलिंग इनटेक जाते हैं तो किहड़े किहड़े उन्हां नूं बेनीफिट ने। अज्ज दे साडे गैसट ने वीजा ऑफिस तो सीनियर कंसल्टेंट स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सो स्नेहा जी, रोलिंग इनटेक एक्चुअल च की हुंदा है ते प्रेजेंटली किहड़ा रोलिंग इनटेक अवेलेबल है, किस स्टेज ते ने जिहड़े स्टूडेंट इहनूं ऑप्ट कर सकदे ने? सर देखो, यूके दे विच जिहड़ा रोलिंग इनटेक्स हुंदे आ, जिद्दां छोटे छोटे इनटेक्स हो गए, क्योंकि जनवरी सितंबर मेजर इनटेक आ, हुण आपां जून नूं रोलिंग इनटेक कह सकदे आ। बहुत लिमिटेड सीट्स हुंदियां वा। यूके च ट्रेंड की हैगा वा कि सपोज करो किसी ने सितंबर इनटेक या मे इनटेक और जून, तीनों इनटेक्स दियां अपनियां ऑफर लैटर्स अप्लाई कीतियां, बट उन्हें अपनियां जून इनटेक वालियां जिहड़ी, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफर लैटर्स अप्लाई कर लैंदा स्टूडेंट, सपोज करो उन्हें जून इनटेक दियां पहले जदों असीं अप्लाई किया तो साढ़े को सीट्स नहीं सीगियां, सानूं ऑफर लैटर नहीं आई, बट हुंदा की है कि स्टूडेंट अनदर यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देता तो थोड़ी जिहियां दो तीन सीटा वेकेंट हो जांदियां वा, तो वो जून इनटेक हाले दो तीन सीट्स कुछ प्रोफाइल लिमिटेड प्रोफाइल्स लई हैगियां वा, तो अगर वो ताड़ी प्रोफाइल नूं सूट करदा साडी टीम दे नाल लिंक कर सकदे हो, और उहदे विच की हुंदा वा कि उही जून हुण अप्लाई कर सकदे हो जिन्हां को अपनी फीस सारी हैगी आ, फंड्स हैगे आ, या वो जल्दी जाना चाहते हैं उन्हों को सितंबर इनटेक दी हैगी है, बट अगर उन्होंने जून दी भी कोई ऑफर लैटर आ रही है, उन्होंने एक्सेप्ट हैगी है यूनिवर्सिटी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस लैंड करन लई ऑब्वियस आ कि अगर तुसी जून इनटेक कर दो, तुहाडा फाइनैंशियल तुहानूं अलॉक करदा वा, तुसी प्योरिटी सुपर प्योरिटी सर्विस लैके भी जल्दी लैंड कर सकते हो। सो ये तुसी प्रोफाइल टू प्रोफाइल है, तुसी टीम दे नाल लिंक कर लो। सो स्टूडेंट्स, तैयारी जो पूरी है तो बहुत जल्दी तुसी फ्लाइट चढ़ सकते हो रोलिंग इनटेक का, यही फायदा, बट थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सारी फॉर्मैलिटी पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।